हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का विरोध जिला युवक कांग्रेस ने किया। विधायक विकास ठाकरे के आदेशानुसार नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में हुआ। युवाओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रियंका गांधी को डिटेन करने पर रोष दिखाया। इस मौके पर वसीम खान ने यूपी सरकार को तमाशाई सरकार बताकर अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही बताया और किसानों के साथ हर वक्त डटे रहने को कहा। इस मौके पर युवा नेता फिरोज खान, सरफराज खान, विजय साखरे, राजा साहिल, सागर बाबा, राजू व आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में चंदन गोस्वामी के प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट बनाए जाने पर छापरू समाज के युवाओं व्यापारियों ने खुशी व्यक्त की है। छापरू नगर कॉलोनी में आयोजित संपर्क अभियान के दौरान छापरू समाज के युवाओं ने चंदन गोस्वामी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद युवाओं द्वारा चंदन गोस्वामी को सभी राजनीति एवं सामाजिक कार्यों में समर्थन की घोषणा की गई। विधायक कृष्णा खोपड़े, नगर सेवक बाल्या बोरकर की पहल से परिसर में सीमेंट रोड, बोरिंग, कुर्सियां एवं पर्यावरण सुरक्षा के अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इस अवसर पर चंदन गोस्वामी ने आश्वासन देते हुए कहा कि समाज सेवा ही उनका प्रथम लक्ष्य है, इसलिए छापरू समाज सहित अन्य सभी समाज की छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। इस अवसर पर प्रकाश फुलवानी, अपुष थावरानी, धीरज आमेसर, पंकज लखवानी, नितिन थावरानी, भगवान नाथानी, नरेश बागवानी, नानक नाथानी, मनु मुखी के अलावा समाज के अनेक युवा मौजूद थे। श्री नागपुर गुजराती ब्राह्म समाज महिला मंडल की वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन हुआ। सभा में मंडल द्वारा किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा एवं हिसाब पारित हुआ तथा आगामी 2 वर्षों के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभा में सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती हेम मेहता को अध्यक्ष चुना गया। श्रीमती किरण दवे तथा श्रीमती वोल्का ठाकर उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। श्रीमती नीता शुक्ल सचिव, तृप्ति जोशी सह सचिव तथा श्रीमती गीता मेहता कोषाध्यक्ष पद पर चयनित हुए। कार्यवाहक समिति में हीना जोशी, राजश्री भट्ट, विभूति दवे, मनीषा राज्यगुरु, मनीक्षी जोशी, मोनिका जानी, पूर्वी ठक्कर, मिली ठक्कर तथा शीतल आचार्य का समावेश है। पूर्व प्रमुख कीर्ति जोशी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नई कार्य समिति द्वारा सामाजिक सामंजस्य और महिला हित में कार्य करने के लिए संकल्पित विचार रखे गए हैं। हिंगना तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव में राकापा और कांग्रेस ने बाजी मारते हुए जिला परिषद की 3 सीटों में से 2 और पंचायत समिति की 4 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की। जिला परिषद के उम्मीदवार संजय रामकृष्ण जगताप 5,746 वोट, रश्मि धनराज कोटगुले 4,920 वोट, राकापा डिगडोह सर्कल, वैशाली विजय कचोरे पंचायत समिति के उम्मीदवारों में 2,726 वोट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीलडो सर्कल उमेश सिंह, रमेश सिंह राजपूत 2,882 वोट, राकापा डिगडो सर्कल रूपाली प्रवीण खाड़े 4,040, राकापा नेरी मानकर सर्कल सभी विजयी उम्मीदवारों ने पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग के आवास पर जाकर जीत का जश्न मनाया। सभी विजयी उम्मीदवारों पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, पूर्व विधायक विजय घोड़मारे पाटिल, जिला परिषद महिला बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोढ़ारे, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग, राकापा तालुका अध्यक्ष प्रवीण खाड़े, श्याम बाबू गोमासे, प्रमोद बंग, युवा राकापा तालुका अध्यक्ष आशीष पुंड ने बधाई दी। पंचायत समिति सदस्य आकाश रंगारी, पूर्णिमा दीक्षित, सुनील बोंदाड़े, बबन राव अवहाले, सुशीत दीक्षित, रमेश सिंह राजपूत, प्रदीप कोटगुले, महेश राजपूत, राहुल पांडे, भवानी शर्मा, बंटी भांगे, अनूप दखले के साथ बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी, तालुका के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। स्थानीय यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी एवं फिक फाउंडेशन द्वारा संचालित मिशन UMS इंडिया पढ़े हम पढ़ाए हम के नए कार्यालय का उद्घाटन आश्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सीजन मैन युवा समाज सुधारक प्यारे खान के हाथों
एवं शिक्षक विधायक नागो गानार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अमरावती जिला निवासी जिला अधिकारी आशीष बिजवाल, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त जमील अहमद, आकार इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर सचिन भोगावार, यशोदा संस्था के अध्यक्ष तनवीर मिर्जा, महावीर संस्था के संचालक प्रमोद वालमांड्रे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अतुल कोटेचा, अमृतोदूत के संचालक सचिन हाड़के, संत निरंकारी संस्था से अविनाश नेवानी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष रियाज काजी ने की एवं संचालन फीक फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान अहमद ने किया। प्यारे खान ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन UMS इंडिया पढ़े हम पढ़ाए हम एक अनोखा मिशन है। इस मिशन से नया समाज निर्माण होगा जो देश की तरक्की में अपना अहम योगदान देगा। प्यारे खान ने आगे कहा कि संस्था द्वारा चलाया जा रहा मिशन झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले, रास्ते पर रहने वाले एवं बांध काम मजदूरों के बच्चों का भविष्य संवारने का काम करेगा। चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कैमिट का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में तथा किशोर अप्पा पाटिल, विधायक पचोरा और बंडू दादा काले, पूर्व मेयर जलगांव की गरिमामय उपस्थिति में नेपेंसिया रोड मुंबई स्थित MSRDC कार्यालय में शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे से राज्य भर में नगर निगम गाला धारकों किराएदारों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। कैमिट अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने एकनाथ शिंदे का स्वागत किया और उन्हें ज्ञापन सौंप कर उनसे हस्तक्षेप करने और नगर निगमों द्वारा किराए में एक तरफा अत्यधिक वृद्धि के कारण राज्य भर में नगर निगमों के किराएदारों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया। कैमिट के सचिव मितेश प्रजापति ने कहा कि नगर निगमों द्वारा अपनी बाजार समिति संपत्तियों के लिए किराए में एक तरफा भारी वृद्धि 100 से 1000 गुना के बीच और कुछ मामलों में 1000 गुना से अधिक है। किराएदारों के इस एक तरफा निर्णय को मानने में विफल रहने पर अधिकारी किराएदारों को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि अनुचित है। शहर की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था एवं सिंधी समाज के धर्म की आस्था का एकमेव प्रतीक श्री झूलेलाल मंदिर, गांधी सागर की ट्रस्ट सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में महंत मोहनदास ठाकुर की उपस्थिति एवं संस्था के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य एन कुमार हरचंदानी की अध्यक्षता में आगामी 5 वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का सफलतापूर्वक गठन किया गया। संस्था के ट्रस्टी सतीश मिरानी से मिली जानकारी के अनुसार संस्था के अध्यक्ष के रूप में रमेश जेसवानी, उपाध्यक्ष हरिराम नागपाल, कोडुमल धनराजानी, दीपक देव सिंघानी, महासचिव मेघराज मैनानी, सहसचिव मनोहर खुशालानी, कोषाध्यक्ष मनोज मोरियानी, सह कोषाध्यक्ष सतीश मिरानी एवं नंद कुमार हरचंदानी, संतोष कुमार आडवाणी, नारायण मोरियानी, कन्हैया लाल तलरेजा सर्वसम्मति से सदस्य चुने गए। संस्था के पूर्व संस्थापक अध्यक्ष व वरिष्ठ सदस्य मनोहर लाल मंगलानी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पदभार संभालने के उपरांत अध्यक्ष जेसवानी ने उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। सभी सदस्यों को समय समय पर समाज के उत्थान एवं सामाजिक कार्यों को चलाने हेतु सहयोग की अपील की। जेसवानी ट्रस्ट के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं सेंट्रल सिंधी पंचायत के महासचिव, पूज्य सखर पंचायत के महासचिव व शहर की अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं संगठनों में अनेक पदों पर कार्य को सुशोभित किया है। भारतीय जनता पार्टी भगवान महावीर चिंतेश्वर वार्ड की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती सेवा कार्य सप्ताह अंतर्गत दारोडकर चौक स्थित इतवारी हाई स्कूल, संजय प्राथमिक स्कूल परिसर को स्वच्छ किया गया। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार आने वाले दिनों में स्कूलों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस परिसर में रोज बड़े पैमाने पर कचरा संग्रहित होता है, जिसकी वजह से स्कूल परिसर में गंदगी निर्माण हो रही थी। स्वच्छ वातावरण में अध्ययन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए महावीर चिंतेश्वर वार्ड के पदाधिकारियों द्वारा श्रमदान कर पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर को साफ व स्वच्छ किया गया।
इस सेवा कार्य में गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक, नगर सेविका वंदना यंगटवार, शहर सह प्रसिद्धि प्रमुख संजय चिचोले, वार्ड अध्यक्ष बाला पलसापुरे, ओबीसी मोर्चा मध्य नागपुर अध्यक्ष दशरथ मस्के, महामंत्री नयनेश पौनीकर, संपर्क प्रमुख सोनू सिंघई जैन, बूथ प्रमुख प्रशांत मानेकर, राहुल जैन, जीवन पराते, नितिन इटनकर, विशाल जैन, प्रमोद वर्देवार, अभय जैन सह महिला वार्ड अध्यक्षा अमृता येललकार, महिला पदाधिकारी वर्षा पेकड़े, संध्या रायपुरकर, पूर्णिमा मेंढी, सुनैना सोनी, रानी जैन के द्वारा श्रम दान कर सेवा कार्य में सहयोग प्रदान किया गया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 28 एवं मनपा आरोग्य विभाग नागपुर की ओर से निशुल्क आरोग्य तपासनी एवं नेत्रदान संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस एवं विधायक प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल की सूचना अनुसार तथा भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख संदीप भंडारी के नेतृत्व में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत नेत्रदान संकल्प अभियान यह विशेष उपक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही नेत्रदान संकल्प पत्र भरे जा रहे, इससे भारी सफलता मिल रही। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति महापौर दयाशंकर तिवारी, उपमहापौर मनीषा धावड़े, विधायक प्रवीण दटके, दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, मनपा नागपुर स्वास्थ्य सभापति नगर सेवक संजय महाजन के हस्ते किया गया। इस अवसर पर प्रभाग 28 के नगर सेवक विजय झलके व प्रभाग 28 ब के अध्यक्ष सुरेश सवाई, उपाध्यक्ष किरेन दातिर, महामंत्री संतोष भालेराव के साथ भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की ओर से प्रशांत मानेकर जैन, सदस्य राजेंद्र पिंजरकर जैन एवं महिला पदाधिकारी दक्षिण नागपुर की महामंत्री कीर्ति शिंडे, कल्पना दहीकर, बनमाला राय, संगीता शिंडे आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चूक, रेलवे सुरक्षा बल नागपुर के निर्देशन में मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पर्सनल यूजर आईडी पर रेल आरक्षित ई टिकट अवैध तरीके से बनाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल पोस्टों द्वारा अपने अपने क्षेत्र अधिकार के रेल टिकट बनाने वाले दुकानों को चेक किया गया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट इतवारी 1, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट छिंदवाड़ा 1, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नागभीड़ 1, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव 1 तथा अपराध गुप्तचर शाखा रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया 1 के द्वारा कुल 5 मामले पंजीबद्ध किए गए, जिसमें कुल 5 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 1 एजेंट अवैध तरीके से बनाई गई पर्सनल आईडी को जब्त किया गया। जब्त की गई लाइव यात्रा टिकट कुल 11, पुरानी यात्रा टिकट कुल 93, जिसकी कुल कीमत 1,13,000 रुपए आंकी गई। साथ ही अवैध टिकट को बनाने में प्रयुक्त सामग्री को कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल आदि भी जब्त किया गया। उक्त मामलों में कुल अवैध तरीके से बनाई गई 13 व्यक्तिगत आईडी की जांच कर टिकटों का प्रिंट निकाला गया। माँ भवानी शक्तिपीठ श्री भवानी माता मंदिर पारडी नागपुर में आज से नवरात्र महोत्सव 2021 आरंभ हुआ। गुरुवार सुबह 4 बजे मुख्य यजमान की उपस्थिति में माताजी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात माताजी का श्रृंगार एवं सुबह 6 बजे माताजी की आरती की गई। सुबह 10 बजे मुख्य यजमान अमित गोविंद प्रसाद अग्रवाल परिवार के हस्ते पूजा विधि द्वारा घट स्थापना के साथ नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दोपहर 2 बजे मुख्य यजमान अशोक अंबागड़े परिवार के हस्ते एवं सुनील छाबरानी जी की प्रमुख उपस्थिति में महाज्योत प्रज्वलित की गई। इस वर्ष कोविड महामारी की वजह से महाराष्ट्र शासन के निर्देशानुसार मंदिर में पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रमुखता से बिना मास्क पहने किसी भी दर्शनार्थी को मंदिर में प्रवेश वर्जित है। समिति द्वारा सैनिटाइजर, हाथ धोने की व्यवस्था, सूचना फलक आदि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक भक्तों के बीच उपयुक्त दूरी रखकर माताजी के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश दिया गया। समिति द्वारा मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा दिए गए कोविड दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कॉन्फिडेंस ग्रुप के सीएमडी नितिन खारा के मार्गदर्शन में
नागपुर स्थित कॉन्फिडेंस ग्रुप अपने सामाजिक जागरूकता उपक्रमों के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उपयोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस गतिविधि के पीछे गृहिणियों और सभी एलपीजी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित युक्तियां प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस रथ के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर वीडियो अथवा टैब के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता मुहिम छेड़ी गई है। आज नागपुर स्थित मुख्य कार्यालय से इस सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। श्री नितिन खारा ने इस अभियान को संपूर्ण भारत में चलाए जाने की मंशा व्यक्त की। गो गैस सुरक्षा रथ के उद्घाटन अवसर पर सीएमडी खारा के साथ पैन इंडिया बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख सुमित भद्रा, सुरक्षा अधिकारी अशरफ कमल, बिक्री प्रमुख विदर्भ विशाल अमरावतकर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। वर्धमान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 22वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में बैंक के अध्यक्ष अनिल पारक की अध्यक्षता में वर्चुअल जूम प्लेटफॉर्म पर संपन्न हुई। सर्वप्रथम बैंक अध्यक्ष अनिल पारक ने ऑनलाइन उपस्थित सभी सभासदों का स्वागत किया। सभा में सभासदों के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष श्री पारक ने कहा कि ग्राहकों को अधिक कार्यक्षम व उच्च दर्जे की सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने एटीएम डेबिट कार्ड और ई कॉमर्स सेवा शुरू की है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में वर्धमान बैंक कैशलेस पेपरलेस व्यवहार पर जोर देकर योगदान प्रदान कर रही है। बैंक की प्रगति की जानकारी देते हुए अनिल पारक ने बताया कि 2020 से 2021 के लिए वर्धमान बैंक को अंकेक्षण वर्ग अ प्राप्त हुआ है। उपाध्यक्ष नरेश पाटनी ने बताया कि बैंक के न्यूनतम एनपीए के लिए विदर्भ अर्बन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा अवार्ड भी प्राप्त हुआ। बैंक की CRAR करीब 25% है। बैंक की खेलते भागमांडवल करीब 328 लाख बड़ी है। प्रॉफिट करीब 173 लाख है। यह यश सभासदों और ग्राहकों के सहयोग से ही मिला है। सभा के अंत में उपाध्यक्ष नरेश पाटनी ने उपस्थित सभी सभासदों का आभार माना। सभा में बैंक के संचालक प्रफुल्ल भाई दोषी, राजेंद्र संचेती, अतुल कोटेचा, दिलीप रांका, हितेश संखलेचा, नितिन खारा, अनुज बड़जात्या, एडवोकेट राजेंद्र डागा उपस्थित थे। श्री नागपुर गुजराती ब्रह्म समाज के गांधीबाग स्थित भवन में नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में घट स्थापना की गई। पंडित चेतन महाराज त्रिवेदी द्वारा मंत्रोच्चार एवं पूजन के साथ मां आदिशक्ति की स्थापना की गई। घट स्थापना के मुख्य यजमान हेमंत भाई हर्षदराय शुक्ला और श्रीमती हीनाबेन शुक्ला परिवार थे। महाचंडी यज्ञ 14 अक्टूबर को मुख्य यजमान देवेंद्र भाई महिपतलाल दवे परिवार द्वारा सम्पन्न होगा। इस अवसर पर शासनानुसार पालन करते हुए समाज के ट्रस्टी मंडल के चेयरमैन नरेंद्र जहां, योगेश जोशी, देवेंद्र दवे, अशोक त्रिवेदी, समाज अध्यक्ष संजय ठाकर, उपाध्यक्ष निखिलेश ठाकर, राजेंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष अशोक जहां, मानद मंत्री चेतन जोशी, सह सचिव मनीष जोशी, अनूप शुक्ला, जयेश जोशी, राजेश जोशी, केयूर व्यास, ईश्वर राजगुरु, युवा मंडल अध्यक्ष यज जोशी, सचिव हिमांशु शुक्ला, संजय पंड्या, आशीष दवे, हितेश त्रिवेदी, महिला मंडल की अध्यक्षा हेमा मेहता, सचिव श्रीमती नीता शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष कोकिला जहा, ज्योत्सना जानी, नूतन जहा, कीर्ति जोशी, कविता शुक्ला, जया त्रिवेदी, सुधा जोशी, मिली ठाकर, शीतल आचार्य, किरण दवे, भाग्यश्री पंड्या एवं व्यवस्थापक चंद्रकांत त्रिवेदी उपस्थित थे। श्री नागपुर गुजराती ब्रह्म समाज के अध्यक्ष संजय ठाकर समाज बंधुओं को शासनानुसार पूजा आरती और प्रसाद का लाभ लेने का अनुरोध किया। माता के दर्शन समय शाम 7 से 9 बजे तक रहेगा। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई, सरकार ने कई प्रतिबंधों में ढील देते हुए सभी बाजारों और मॉल को खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन मंदिर खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसीलिए नागरिक सोच में पड़ गए थे कि मंदिर कब खुलेंगे। आखिरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का अहम फैसला किया। नवरात्र के पहले दिन से ही राज्य में सभी धार्मिक स्थल कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसा रहा घट स्थापना के शुभारंभ का दिन। रामटेक की शान व प्रभु श्री रामचंद्र के गढ़ मंदिर के दरवाजे काफी इंतजार के बाद
श्रद्धालुओं के लिए खुल गए। काफी दिनों बाद मंदिर शुरू होने से श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुंबई, कोल्हापुर, यवतमाल, मध्य प्रदेश आदि स्थानों से भक्तगण भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए। भक्तगण प्रकाश भुजाड़े, लक्ष्मण मेंघारे, विवेक तोताड़े, अविनाश शेंडे, संजय अवारी, प्रशांत येदके, डॉक्टर राम सिंह सहरे, पल्लवी गजबीय, शीतल चिंचोलकर, अनिशा भलवी आदि दूर दूर से आए। इस अवसर पर पुजारी पांडे, तिवारी सहित अन्य पुजारियों ने मंदिर के दोबारा शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। नागपुर महानगर पालिका की ओर से सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से गुरुवार को नगर सेवक विजय झलके के दिघोरी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ स्थानीय नागरिकों ने उठाया। दंत परीक्षण शिविर का उद्घाटन उप महापौर मनीषा धावड़े ने किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष संजय महाजन, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष एवं नगर सेवक विजय झलके, सामाजिक कार्यकर्ता संजय ठाकरे, मनपा के सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी आदि मान्यवर उपस्थित थे। महापौर की संकल्पना और पहल से आजादी के 75 के तहत पूरे शहर में 75 डेंटल चेकअप कैंप स्थापित किए जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका शहर के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महापौर नेत्र ज्योति योजना, महापौर दृष्टि सुधार योजना आदि के माध्यम से जरूरतमंदों को निशुल्क सर्जरी का लाभ दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने शिविर में लाभ लेने वाले नागरिकों के दांतों का परीक्षण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के प्रथम देवता के समान है। देश के जानता राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा लोगों के हित के लिए काम किया। उनके साम्राज्य में समाज के अंतिम वर्ग को नेतृत्व करने का अवसर देकर स्वराज्य का झंडा बुलंद किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के शोषित वर्ग के नागरिकों को नेता बनाया था। शिवाजी महाराज का भित्ति चित्र का अनावरण गौरव का विषय है, क्योंकि वे हर आयु वर्ग के नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि यह भित्ति चित्र स्थानीय युवाओं और लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। महापौर दयाशंकर तिवारी ने हाल ही में बजेरिया परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के 10 फीट ऊंचे भित्ति चित्र का अनावरण किया। इस अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक गिरीश व्यास, पार्षद अधिवक्ता संजय बाल पांडे, नगर सेविका सरला नायक, विद्या कन्हेरे, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर पालांदुरकर, अनिल मानापुरे, विलास त्रिवेदी, विनायक डहनकर, सुबोध आचार्य, ब्रजभूषण शुक्ला, अजय गौर, रमाकांत गुप्ता, उमेश वाजुरकर, अनूप गोमासे, अमोल कोल्हे, ऋषि साहू, प्रशांत गौर, प्रवीण श्रीवास, नयन साहू, विक्की प्रजापति, प्रहलाद नायक आदि मान्यवर उपस्थित थे। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में जोन स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में शहर में 5,239 घरों का सर्वे किया गया। इस डेंगू रोकथाम अभियान के तहत मनपा की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुवार को जोनल स्तर पर सर्वेक्षण के दौरान 132 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अतिरिक्त 15 बुखार के मरीज मिले। 60 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 269 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इसमें 17 कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा 12 कूलर खाली कराए गए। 79 कूलरों में 1% टैमीफॉस घोल, 157 कूलरों में 2% डिफ्लुबेंजुरम टैबलेट डाले गए। साथ ही 21 कूलरों में गप्पी मछली छोड़ी गई, ताकि पानी में मौजूद लार्वा का खात्मा हो सके। मनपा ने आह्वान किया है कि डेंगू रोकथाम अभियान के तहत नागरिक इस बात का ध्यान रखें कि उनके घर के आसपास अथवा क्षेत्र में कहीं मच्छर न पनपे। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा।
टीकाकरण शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने दी। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर मनपा स्त्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने हाल ही में बगैर मास्क के घूमने वाले 20 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 40,800 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और अब तक 1,87,00,000 रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। शहर में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब भी नहीं टला है। अब भी अनेक जगहों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी हिस्सों में बगैर मास्क के नागरिक खुले आम बाजारों जैसी जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। एनडीएस की कार्रवाई के दौरान धर्मपेट जोन के 6 नागरिक समेत सभी जोन मिलाकर 20 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।